अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू शाही किचन रूटीन। तो आज दोपहर के खाने में मैंने सोचा हुआ कि चिकन कबाब बनाऊं। इसके लिए मेरे पास 1 किलो चिकन है, तो इसमें से मैं बोनलेस निकाल लूँगी। जो चिकन बचेगा उसमें से उसके मैं बच्चों को सूप बना दूँगी। जी, ग्राइंडर जग में मैंने डाल दिए हैं चिकन। चिकन के लिए फिर मैंने ये सारे कुछ इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। लहसुन अदरक हो गया, सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया और प्याज। एक प्याज लेके उसको कश करके उसका पानी निकाल लेना है, फिर इसमें ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें जग में ऐड कर देंगे और फिर इसे पीस लेंगे। जी, थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे इसमें और इससे भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और 1 चम्मच योगर्ट का डालेंगे और 1 पिंच बेकिंग सोडा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कीमा रेडी हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन ताकि ये बाइंडिंग हो जाए और फिर मैं इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से तो इसके कबाब बना के रखती हूँ प्लेट में। देखें जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म के कबाब रेडी हो गए हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि इन्हें रेस्ट मिले। और इतने में हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ जी, ये तैयारी कर रहे हैं हम ग्रेवी बनाने के लिए। तो ग्रेवी के लिए हमें प्याज लिया है, टमाटो पेस्ट ले ली है और लहसुन अदरक ले लिया है, थोड़ा खड़ा मसाला ले लिया है। ठीक है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के लिए हमें पैन में एक ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल निकाल लिया। अब इसमें हम खड़ा मसाला डाल देंगे। जैसे ही मसाले की खुशबू आने लग जाएगी तो हम प्याज ऐड कर देंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक डाल भूनने के बाद हल्का सा यानी खुशबू आने शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट। इस साइड में ग्रेवी रेडी हो रही है। ठीक है, तो हम इस साइड में पैन के अंदर कबाब डालने शुरू कर देंगे फ्राई करने के लिए। कबाब फ्राई करते रहेंगे। देखें कबाब रेडी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही फ्राई हो जाएंगे ना अच्छे तरीके से तो हम इसमें कोयले की धुनी अब ग्रेवी में थोड़ा दही ऐड कर देंगे। इस साइड में फ्राई हो रहे हैं कबाब, थोड़ा और दही ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बने और ग्रेवी भी बन जाए इसकी। अब एक कोयले को दहका के ना एक फॉइल पेपर के ऊपर रख के तो इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। ठीक है, ऑयल डालने के बाद जैसे ही इसका धुआं आने लग जाएगा ना इसको ढक देंगे। ढकने के बाद इस 10 मिनट तक इसे ढक देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसका। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे तो हम इसका कैप उतार लेंगे और उसके बाद ये कॉइल पेपर भी निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसमें इसे कबाब उठा के ग्रेवी के अंदर रखते जाएंगे। ऐसे हम इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं अलग से, यानी प्लेट में रख के अलग से भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह रख के सारा हरा धनिया के साथ हम गार्निशिंग करेंगे
और गार्निशिंग करने के बाद दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब दम पे रखेंगे उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे और सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं, कबाब, ग्रेवी कबाब। अब मैंने कबाब इसमें डाल दिए हैं सारे, तो अब इसमें हरा धनिया गार्निश करके, तो इसके बाद हम इसके ऊपर कैप दे देंगे, ठीक है। 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख के तो फिर सर्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि रेडी हुआ या नहीं। ओ हो गया, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ओ माशाल्लाह। चलिए देखते हैं कि रेडी हुआ या नहीं। ओ हो गया, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ओ माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कबाब, ग्रेवी कबाब रेडी हो गए हैं विद रोटी। आप भी ट्राई करिएगा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके बाय।